नमस्कार, मैं पंडित राजेश योगी राज। आज हम बात करेंगे आपके जन्म नक्षत्र पर पड़ने वाले ग्रहों के शुभ एवं अशुभ प्रभाव के बारे में एवं उसके उपाय भी बताएंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल उच्च ग्रह के दशम भाव में चल रहा है, परंतु चतुर्थ में सूर्य बुध राहु होने के कारण से आपको ग्रहण योग भी बन रहा है। कोई भी जमीन जायदाद का सौदा ना करें, अपनी मां के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सूर्य के लिए आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। राहु के लिए एक बहुत ही सरल उपाय है, बुधवार के दिन 12 बजे से 1:30 बजे के बीच आप 5 नारियल के गोले लेंगे, उनको माला में पिरो लेंगे एवं 12:05 पर शिव जी के मंदिर में जाके आप शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, जो भी मेरे इस जन्म में या पिछले जन्म में जो मेरे से गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा याचना, एवं उस माला को ले जाके किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे और पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। इससे आपका राहु शांत होगा और आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि, वृष राशि के अष्टम शनि में होने के कारण से आपको शनि की ढैया चल रही है, इससे आपको कार्य में बाधा आ सकती है, सरकारी कर्मचारियों को भी दिक्कत आ सकती है। शनिवार के दिन 1.25 किलो तिल्ली का तेल, 1.25 किलो उड़द और एक लोहे की कढ़ाई जिसमें 2 लीटर तेल आ जाए एवं 1.25 मीटर काला कपड़ा, ये आप शनि मंदिर में जाके 12 बजे से शाम को 5:30 बजे के बीच में आप शनि को अर्पित करेंगे एवं तेल कढ़ाई में डाल के उसमें अपना छायादान करेंगे। उसमें अपने नाखून, पांव के नाखून, अपना पूरे शरीर की छाया देखेंगे एवं आप वहाँ पे रख देंगे और फिर रखने के बाद प्रार्थना करके अपने घर को आ जाएंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। इससे आपका शनि शांत होगा और आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि को अभी मंगल अष्टम में होने के कारण से उनको यात्रा नहीं करनी चाहिए एवं वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले आप मंगलवार के दिन स्नान आदि करके चमेली का तेल, सिंदूर, लौंग, इलायची, माला, पान और मिष्ठान, ये आप सिंदूर का चोला चढ़ाएंगे एवं प्रसाद चढ़ा के आप खुद भी लेंगे एवं मंदिर में सबको बांटेंगे। कर्क राशि, कर्क राशि को राशि पर राहु, सूर्य एवं बुध का भ्रमण चल रहा है, इस कारण आपको भी ग्रहण योग है एवं बृहस्पति चतुर्थ में होने के कारण से आपको जमीन जायदाद में नुकसान हो सकता है एवं पैसे की हानि भी हो सकती है। इसके लिए आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए आप कोड़ियों को मिष्ठान खिलाएं, बुध के लिए आप गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं एवं मूंग के लड्डू चढ़ाएं, सूर्य के लिए सूर्य को अर्क दें एवं गुरु के लिए गुरुवार के दिन किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को वस्त्र प्रदान करें एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के सूर्य द्वादश में होने के कारण से उनके खर्चे अधिक होंगे, स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या आ सकती है एवं मंगल छठे भाव में होने के कारण से आपको ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना चाहिए, गुस्सा कम करना चाहिए, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। सूर्य के लिए आप अपने पिता का आशीर्वाद लें एवं बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाएं एवं प्रसाद चढ़ा के और दुर्वा भी चढ़ाएं, इससे आपको ग्रहों की शांति होगी। कन्या राशि, कन्या राशि को समय बहुत अच्छा है, परंतु शनि चतुर्थ होने के कारण से शनि का कुप्रभाव रहेगा, इसके कारण आपको जमीन जायदाद में परेशानी आ सकती है। शनि के लिए आप अपनी माता का आशीर्वाद लें एवं चने से बनी हुई वस्तु को गरीबों में बांटें, काले तिल एवं उड़द का भी आप लोगों में दान कर सकते हैं, इससे शनि का उपाय होगा एवं शनि की शांति मिलेगी। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, वह अभी नीच का होके चल रहा है, गुरु भी आपके लग्न में चल रहा है, गज केसी योग है, आपको सभी जगह सफलताएं मिलेगी, परंतु मंगल चतुर्थ होने के कारण से आप वाहन चलाने में सावधानी रखें। मंगल के लिए मंगलवार के दिन आप गुड़, चने एवं मसूर की दाल
लाल कपड़े में बांध के हनुमान जी के चढ़ाएं, इससे आपका मंगल दोष दूर होगा एवं ग्रह शांत होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि को शनि की साढ़े साथी उतरती हुई है जो कि आपके पाँव पे चल रही है। आप चलने में सावधानी रखें, पाँव का ख्याल रखें एवं बृहस्पति द्वादश होने के कारण से पीलिया रोग की समस्या आपको आ सकती है। इसके लिए आप कोड़ियों के आश्रम में जाके तिल से बनी मिठाई आप उनको दें एवं आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरु के लिए चने की दाल व गुड़ पीली गाय को गुरुवार के दिन खिलाएं, इससे आपके ग्रह दोष शांत होंगे एवं सफलताएं मिलेगी। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, यह आपको एकादश भाव में चल रहा है, परंतु आपको शनि का कुप्रभाव भी है, सूर्य राहु बुध भी आपके अभी इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। अष्टम में होने के कारण से आपको समस्याएं आ सकती है, इसके लिए आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए जो मैंने पहले भी बताया, एक तो वो उपाय कर सकते हैं, नहीं तो आप तुला दान भी कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने वजन के बराबर गेहूँ गरीबों में बांटें, उससे आपको सफलता मिलेगी एवं ग्रह दोष दूर होगा। मकर राशि, मकर राशि पे अभी मंगल चंद्रमा पे चल रहा है, इसके कारण से आपका बल बहुत बढ़ेगा, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकते हैं। जल्दबाजी ना करें, बोलने में सावधानी बरतें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। शनि के लिए आप माता की सेवा करें, माता का आशीर्वाद लें, उनको पूजन करें, उससे आपको सफलता मिलेगी एवं शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके तिल्ली के तेल का दीपक करें एवं आप वहां प्रार्थना करें, उससे भी आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों को अभी मंगल द्वादश भाव में होने के कारण से उनको चोट लगने का खतरा है, इसके लिए आपको वाहन भी बड़े सावधानी से चलाना चाहिए। आप मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाके गुड़ से बनी वस्तु का भोग लगाएं एवं प्रसाद वितरित करें, इससे आपका मंगल दोष दूर होगा एवं आपको सफलता मिलेगी। मीन राशि, मीन राशि को अष्टम गुरु होने से आपके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है, आप जो कार्य करेंगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। गुरु के लिए आप अपने गुरुवार के दिन अपने गुरु के आश्रम में जाके गुरु को पीले वस्त्र, मिष्ठान एवं दक्षिणा दें एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इससे आपको गुरु दोष कम होगा एवं आपको सफलता मिलेगी। आज मैंने बताया आपको आपके राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उनके उपाय। मैं आपसे आज्ञा लूँगा, धन्यवाद। आप देखते रहिए अंतर शक्ति।